नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफी लोगों के ये मुख्य समस्या आती है कि जब भी हम घर का निर्माण करते हैं कि घर में शौचालय कहाँ पर बनाएं। जी हाँ, शौचालय अगर वास्तु अनुरूप नहीं होता है तो वो बहुत ही एक भयंकर वास्तु दोष माना जाता है। आज हम पूरी डिटेल में चारों दिशाओं का आपको बताएंगे। अगर आपका किसी भी दिशा का घर है तो आपको शौचालय कहाँ पर बनाना है और सेफ्टी टेक लाइन कहाँ पर देनी है और पूरा वास्तु डिटेल में हम आपसे शेयर करेंगे। मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा, एक बार फिर आपका हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान में स्वागत है। तो आइए चलिए समझते हैं कहाँ पर बनना चाहिए शौचालय। सबसे पहले देखिए, ये आगे जो दिशा है ये पूर्व दिशा है। कौन सी है? पूर्व दिशा, जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, ये पूर्व दिशा होगी। ये जो दिशा है ये आपकी होगी साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, ये पूर्व के ठीक विपरीत साइड में हमेशा पश्चिम दिशा होती है, तो ये आपकी होगी पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। ठीक है, अब दक्षिण के ठीक विपरीत साइड में हमेशा नॉर्थ होती है यानी कि उत्तर दिशा। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा हो गई, वो दक्षिण दिशा हो गई और ये पूर्व, चार दिशा है। मुख्यतः घर चार दिशाओं के होते हैं, कुछ कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनकी दिशाएं घूमी हुई होती है। ठीक है, अब ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर दिशा, इनके अलावा चार कॉर्नर जो पड़ते हैं, ये जो कॉर्नर है ये आपका होता है अग्नि कॉर्नर। ठीक है, ये जो कॉर्नर पड़ेगा ये होता है निर्दग्य कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर वायव्य कॉर्नर होता है और ये कॉर्नर ईशान कॉर्नर होता है। ठीक है, तो ये चार कॉर्नर हो गए। अब अगर आपका घर पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है या आपका घर पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी फेस का आपका घर हो, वास्तु के अनुरूप जो लेटरिंग बाथरूम बनता है उसमें क्या सावधानी रखनी है और कहां पर बनना है वो आप देख लीजिए। बहुत से लोग बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, जिनका पूर्व मुखी घर होता है वो घर में जैसे ही एंटर करते हैं इस साइड में लेटरिंग बाथरूम बना लेते हैं या इस साइड में लेटरिंग बाथरूम बना लेते हैं। बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कभी भी भूल कर भी आपके ये जो ईशान कॉर्नर है इसमें लेटरिंग बाथरूम ना दे और ना आपके अग्नि कॉर्नर में लेटरिंग बाथरूम दे। इसका कारण है जो मैं आपको बता देता हूं। ईशान कॉर्नर यानी कि पूर्व और उत्तर का जहां पर मिलन होता है वो ईशान कॉर्नर होता है। जैसे आपका पूर्व मुखी घर है, आपने मुख्य द्वार मान लीजिए यहां पर अपना मुख्य द्वार वास्तु के अकॉर्डिंग दे दिया। ठीक है, आप घर में एंटर करते हैं, इधर इस साइड में आपके लेटरिंग बाथरूम होंगे। ये जो स्थान है ये देव स्थान है, यानी कि देवताओं का जो स्थान होता है, वास्तु पुरुष का जहां पर सर होता है वहां पर आप अगर लेटरिंग घर दे रहे हैं, सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इससे आप निकल नहीं पाएंगे, घर में आपके इतनी ज्यादा परेशानी हो सकती है इसके कारण कि आप इन भविष्य के अंदर आप बहुत ज्यादा दुखी रह सकते हैं। तो इस चीज को इग्नोर कीजिए, इसके जो दुष्परिणाम है वो इतने ज्यादा है कि गिनाए नहीं जा सकते हैं। ये नॉर्मल आपको समझा देते हैं। देखिए, जहां पर देवताओं का स्थान होना चाहिए वहां पर अगर आप गटर या गंदी चीज अगर रख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा आपके दोष लगता है। दूसरा, वास्तु पुरुष का सर है। अब आपके आप ये मान लीजिए कि आपका सर है, उसके ऊपर अगर आप गटर बना रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज आपके खुद के समझने की चीज है। तो भूलकर भी यहां पर गटर ना बनाए। अब दूसरी बात देखिए, अब आप इधर अग्नि कॉर्नर में गटर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? अग्नि कॉर्नर में क्या होना चाहिए? किचन होना चाहिए, रसोई घर। जहां पर रसोई घर होना चाहिए यानी कि जहां पर रसोई बननी चाहिए, घर में जहां पर भोजन बनना चाहिए, वहां पर अगर आप अपना गंदगी का स्थान बना रहे हैं तो ये स्थान आप दूषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए। तो भूल कर भी इन दोनों कॉर्नर में आपको लेटरिंग घर नहीं बनाना है। ठीक है, अब बात आती है कि इस कॉर्नर में, ये जो नेतज्ञ कॉर्नर है इसके अंदर भी आपको लेटरिंग घर भूल कर भी नहीं बनाना है। कारण यह है, नेतज्ञ कॉर्नर हमेशा ठोस रहना चाहिए और जो हमारा सेफ्टी टैंक बनता है या आप अपना गटर बनाते हैं उसमें क्या होता है, लिक्विड और अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे इस कॉर्नर का वास्तु खराब होता है। दूसरा, ये कॉर्नर ऊंचा रहना चाहिए। अगर आप गटर बना रहे हैं, लेटरिंग घर बना रहे हैं तो ये कॉर्नर की जो एनर्जी है वो दूषित कर रहे हैं आप। सेकेंड चीज है, अगर यहाँ पर आप खड्डा कर रहे हैं, सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। तो भूलकर भी इस कॉर्नर में ना बनाए। अब बात आती है वायव्य कॉर्नर की। देखिए,
वाई वे कॉर्नर हमेशा आपको इग्नोर करना चाहिए लेटिंगर बनाने के लिए। ये जो कॉर्नर है लेटिंगर अगर आपको बनाना है तो उसके दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है तो वास्तु यही कहता है कि लेटरिंग घर और स्नान घर आप अलग अलग बनाइए, और घर के बाहर अगर आप बनाना चाहें तो सबसे उत्तम होता है। अगर आप घर के अंदर, क्योंकि आजकल लेटेस्ट जो फैशन चल रहा है, जो वेस्टर्न फैशन इंडिया में आ गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रूम के साथ में या घर के अंदर ही लेटरिंग बाथरूम होता है, क्योंकि जगह कम होती है। तो उसके कारण, तो देखिए सबसे उत्तम जो स्थान होता है लेटरिंग बाथरूम बनाने का, तो वो उत्तम स्थान फर्स्ट आपका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लेटरिंग बाथरूम बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप लेटरिंग बाथरूम बना सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा, यहाँ पर आप लेटरिंग बाथरूम बना सकते हैं, मगर ये तीसरा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आंगन के बीच में कभी भी भूलकर लेट बाथ या सेफ्टी टैंक बिल्कुल नहीं देना है। इस चीज को ध्यान रखें, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, घर में कलह रहती है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर आप ईशान कॉर्नर में लेट बाथ देते हैं तो जीवन में आपके दुर्घटना, रोग, शुगर और माइग्रेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। आपके भविष्य में यानी बहुत बड़ी विपदाएं और बाधाएं आने लग जाती है। अग्नि कॉर्नर में जिनके लेटरिन बाथरूम होता है, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा विपरीत रहता है। वायव्य कॉर्नर में अगर आप वायव्य कॉर्नर को दूषित कर देते हैं, वायव्य कॉर्नर अगर आप पूरा ब्लॉक कर देते हैं और वास्तु अनुरूप नहीं रखते, नर्तक्य कॉर्नर से वायव्य कॉर्नर को या ईशान कॉर्नर को ऊंचा रख देते हैं, बच्चों की शादियों में बहुत विलंब होता है, अगर हो भी जाती है तो तलाक होने के बहुत बड़े चांसेज बनते हैं, और घर में कभी भी पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, सास बहू की नहीं बनेगी, और बहुत ज्यादा घर के अंदर क्लेश रहेगा। तो इस चीज को इग्नोर करें। ब्रह्म स्थान में अगर आपने सेफ्टी टैंक दे दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने ही नहीं अपने बच्चों के भी भविष्य के ऊपर कालिक पोत दिए, यानी कि बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है अगर आप ब्रह्म स्थान में लेट बाथ दे देते हैं। तो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ये जगह यज्ञ करने की है, यानी कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। पहले के टाइम में ये स्थान ऊपर तक पूरा खुला रहता था, छत नहीं होती थी। आज भी साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो घरों के जो बीच का स्थान है, जिसको हम ब्रह्म स्थान, आंगन, हॉल कहते हैं, थोड़ी जगह होती है तो उसको लोग लिविंग एरिया भी कह देते हैं, तो ये जो स्थान होता है ये ऊपर तक खुला रहता है आज भी उन घरों में। पुराने घरों या हवेलियों में आप देखेंगे तो ये पूरा स्थान छत तक खुला रहता है। आज के समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, मगर इस चीज का ध्यान रखें, इस स्थान पर कभी भी निर्माण ना करें, और लेटरिंग बाथरूम और सेफ्टी टैंक, कुआं, ट्यूबवेल वगैरह तो बिल्कुल ना दें। इतना आपको जरूर इतना एरिया आपको छोड़ना है। लेटरिंग बाथरूम की आपको कवर कर दी है कि यहाँ पर आपको बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, तीन ऑप्शन आपको दिए, मगर दो ऑप्शन आपको हमेशा लेके चलने हैं। जब आपके पास कोई उपाय ना बचे तब आप यहाँ बना सकते हैं, मगर कॉर्नर को आपको छोड़ना है यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आपके क्लियर। अब बात आती है कि लेटरिंग बाथरूम अगर कहाँ पर, अगर आपके दरवाजे के ठीक सामने, जैसे आपका जो पूर्वमुखी दरवाजे, आपने एकदम दरवाजे के एंटर करते ही यहाँ पर आपने लेटरिंग बाथरूम बना दिया, बहुत ज्यादा अशुभ है। अगर आपका दक्षिण मुखी घर है और आपने दरवाजा यहाँ पर लगाया मान लीजिए, और दरवाजे के ठीक सामने लेटरिंग बाथरूम बना दिया, बहुत अशुभ है। इन चीजों को भी इग्नोर करें। हमेशा आपको घर इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई तोड़फोड़ ना करनी पड़े और वास्तु दोष बिल्कुल ना हो। वास्तु कोई मामूली या सामान्य चीज नहीं है, उसको आप लेकर चलते हैं तो भविष्य में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी सेफ्टी टैंक की, कि सेफ्टी टैंक कहाँ बनाए। देखिए सेफ्टी टैंक का सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है, यहाँ पर आप बना सकते हैं सेफ्टी टैंक। उत्तर की दीवार से एक फीट छोड़कर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। दक्षिण की, ये जो पश्चिम की दीवार है, इससे इतना कॉर्नर आपको छोड़ना है, ये जो इतना स्पेस छोड़ना है, उसके बाद जहां हमने आपको लेट बाथ दिया है उस साइड में यहाँ पर आप सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी टैंक में हमेशा ध्यान रखें कि लंबाई हमेशा आपको पूरब से लेकर पश्चिम तक सेफ्टी टैंक की ऐसे लंबाई रखनी है। अगर यहाँ भी बनाए तो लंबाई ऐसे रखनी है, कभी भी सेफ्टी टैंक की लंबाई आपको उत्तर से दक्षिण नहीं रखनी है। इस चीज को भी आप इससे ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो वास्तु के अनुरूप अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके काफी परेशानियां देखने को मिलती है। तो हमें विश्वास है कि हमने आज आपको बताया या अच्छे से समझाया है कि आपका अगर किसी भी दिशा का घर है तो आपका सेफ्टी टैंक का सबसे अच्छा ऑप्शन और आपके लेटरिन बाथरूम का सबसे अच्छा ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ये तीन ऑप्शन ही रहते हैं। बोलकर भी आपको कहाँ पर लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, ये भी हमने आपको डिटेल में समझाया है।
फिर भी अगर आपके कोई बात रह गई है, कोई दिक्कत रह गई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।